बस हादसे की जांच पर पीड़ित परिवारों द्वारा उच्च न्यायालय में उठाए सवालों के बाद उच्च न्यायालय द्वारा जिला प्रशासन को मामले की जांच दोबारा करने के आदेश दिए गए थे, जिसके चलते जिला प्रशासन पीड़ित परिवारों को मिला था तथा नूरपुर के डीएसपी नवदीप सिंह ने पीड़ित परिजनों के सामने हादसे से जुड़े सभी लोग, स्कूल प्रबंधन, बस मालिक, बस के पुराने मालिक, ट्रक मालिक, एफआईआर करवाने वाले शख्स मंगतराम आदि से दोबारा पूछताछ की। इस पूछताछ में पीड़ित परिजनों की अगुवाई विक्रम पठानिया ने की। पीड़ित परिवार द्वारा मंगतराम द्वारा करवाई गई एफआईआर पर भी सवाल खड़े किए गए। जब मंगतराम की पुलिस ने स्टेटमेंट ली थी तो उसने साफ किया कि वे हादसे के दौरान वहां मौजूद नहीं था, बल्कि 4:45 बजे पहुंचा था। पुलिस ने उसका बयान लिया था, उसने बयान पर साइन किए, लेकिन उसने अपने बयान पढ़े नहीं। वहीं कागजों में स्कूल बस जो 2013 मॉडल की बताई जा रही थी, उसको लेकर भी पुलिस जांच में जब बस के पुराने चालक सोनू की स्टेटमेंट दर्ज की गई तो उसने बताया कि उस वक्त सन 2012 से 15 तक चलाई है, जबकि 2012 से पहले भी कोई अन्य व्यक्ति इसको चलाता था। पुलिस द्वारा सभी लोगों की स्टेटमेंट लेने के बाद पीड़ित परिवारों को आश्वस्त किया गया है कि इस मामले में निष्पक्षता से काम किया जाएगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिजनों की अगुवाई कर रहे विक्रम पठानिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि चेली बस हादसे में अभी तक जो भी तथ्य पेश आए हैं वे सब झूठे हैं तथा जो सवाल पीड़ितों ने उठाए हैं वे सही साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में अब ये साबित हो चुका है कि बस हादसे की एफआईआर झूठी थी, क्योंकि एफआईआर में ये दर्शाया गया था कि 2:30 बजे के करीब मंगतराम के बयान दर्ज किए गए थे, जबकि मंगतराम ने पुलिस को स्टेटमेंट दी है कि वे 4:45 बजे घटनास्थल पर गए थे, उसके बाद पुलिस को बयान दिया। विक्रम ने कहा कि बस जो कि रिकॉर्ड में 2013 मॉडल की है, लेकिन बस चालक के बयान से ये साबित हो चुका है कि उक्त बस 2000 पहले की भी थी तथा बस टेम्परिंग की बात सही है। विक्रम ने कहा कि जिस जगह बस गिरी थी उस दौरान वहां एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक मौजूद था जो कि मालिक द्वारा उठाया नहीं गया था। उसने बताया कि बीमा कंपनी द्वारा पुलिस को दी गई स्टेटमेंट से यह साबित होता है कि ट्रक का मलबा ट्रक मालिक ने ही उठाना था, उसके बाद उसको बीमा राशि मिलनी थी जो कि उसे नहीं उठाई। विक्रम ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इन सभी उजागर किए गए तथ्यों पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं नूरपुर के डीएसपी नवदीप सिंह ने बताया कि जो स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसकी जांच की जा रही है। मृत बच्चों के अभिभावक आज उनसे मिले और उन्होंने मांग की कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे दोबारा जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई लोगों से आज पूछताछ की गई है और कुछ के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। बस एक्सीडेंट का बच्चों को हुआ है कोड़ा का, इसमें हमने आगे इन्वेस्टिगेशन को जारी रखे हुए हैं। इसमें बच्चों के अभिभावक आज हमसे मिले हैं और उन्होंने पहले ही मिले थे, उन्होंने मांग की थी। कुछ एक लोग और भी हैं जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, जैसे कि जिन्होंने कंप्लेंट कराई है, हमें स्टेटमेंट दिया, एफआईआर कराई है, क्या उन्होंने गलत बयानबाजी की है। साथ में जहां हादसा हुआ है वहां पर एक ट्रक भी पड़ा हुआ मिला था जिसकी वजह से कुछ कैजुअलिटीज का इजाफा हुआ है, और इसके अलावा स्कूल प्रशासन और जो ये बस ये किस समय खरीदी गई, इस सब को लेकर इन्वेस्टिगेशन हमने आज कंटिन्यू की है और इसमें हमने कई सारे लोगों से आज पूछताछ की है, हमको एक्सवेट किया है, तो उसके तहत हमने इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए आज कुछ एक केस में आगे और सेक्शन ऐड की है, जिसमें हमने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ जो उन्होंने वायलेशन की है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस उसकी, और जो ट्रक जो जिसका गिरा हुआ था जिसकी वजह से और ज्यादा वहां पर एंडेंजर हुई है लाइफ, तो उसके और साथ ही जो हमारा ये कंप्लेनेंट है इसने ऐसा पाया गया है, इन्होंने ऐसा बताया है, शिकायत की है कि ये वहां पे मौके में मौजूद नहीं था, तो उसके खिलाफ भी हमने आईपीसी की से कंसर्न धारा के तहत जो है आगे इन्वेस्टिगेशन में उसको ऐड किया है।